मूविंग कॉइल गैल्वेनो मीटर, ये हमारा टॉपिक है बेटा, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनो मीटर, ठीक है जी। पहले मैं आपको इसका वर्किंग मॉडल या वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है जी, फिर हम आर्टिकल को करते हैं बच्चे क्या है। यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, बेसिक क्या है गैल्वेनोमीटर, होता क्या बच्चे, यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, पर्पज क्या है इसका, करंट को डिटेक्ट करना है इसका पर्पज है जी, क्लियर। यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, ओके। प्रिंसिपल क्या है जी, तो पहले वाला आर्टिकल पढ़ाया मैंने आपको, इसका प्रिंसिपल है, वो क्या प्रिंसिपल है, कि जब कोई क्वाइल करंट कैरिंग क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। व्हेन अ करंट कैरिंग क्वाइल इज placed in magnetic field, when a current carrying coil is placed in magnetic field, a torque acts on coil, कितना होता है torque, याद है आपको, N M B sin alpha, है ना, ये इसका प्रिंसिपल है जी। कोई भी कॉइल है जी, वो आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या लगेगा बेटा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द कॉइल, क्लियर बेटा। अब इसका हम रफ डायग्राम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या आप उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने कल ये इवनिंग में बनाया था, आई विल कॉपी दैट है, हाँ ठीक, ऐसा भी बना लिया आपने, अच्छी बात है, पर मैं आपको इसका और सिंपल वे में डायग्राम देखिए, वो हम रीड कर देंगे, तो अरे यार अंडू करें, ये नहीं आएगा इतना यार, पहले पूरा ही ले लो बाद में रेस कर देना, हाँ यही बेस्ट लगेगा। ओ यार सर वो कॉपी कर लेना वहां पर, ये सर हां सर, ये सर बच्चे बातें ना करें, हाँ जी क्या डायग्राम है आप देख लीजिए, क्या डायग्राम है जी, रफ हमने एक पहले स्क्वायर बना लिया बेटा, ये स्पेशल मैग्नेट्स हैं, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट्स हैं, घोड़े के पैर की तरह, इसका क्या रीजन है मैं आपको देता हूं,
एक कॉइल बना दी बेटा, नीचे स्प्रिंग लगा दिया और ऊपर ये मिरर लगा दिया। आई सिंपल आप कैसे डायग्राम बनाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी, वो एक नंबर में आता है पेपर में। रेडियल फील्ड क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। हाँ जी, वो एक नंबर में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए प्लीज, ये एक बच्चे, ये एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल शब्दों में बेटा, अगर आप कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बच्चों, उस पे टॉर्क लगता है। याद कर लीजिए टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, एम बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, बी तुम्हारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, साइन अल्फा, अल्फा इज द एंगल ऑफ एरिया वेक्टर विद द मैग्नेटिक फील्ड। एकदम क्लियर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों? तो एन क्या है जी, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ प्लीज टर्न्स इन द कॉइल। बेटा ध्यान दें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है जी। व्हाट इज ए, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ द कॉइल, सब जानते हैं बच्चों, ठीक है जी। तो जब आप इसमें एक करंट पास करेंगे बच्चे, आई करंट पास करेंगे, तो इस पे क्या लगेगा कॉइल पे, टॉर्क लगेगा, ठीक है जी। सो ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट, अ टॉर्क, अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कह सकते हैं आप, अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। बेटा याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप समझिए आर्टिकल को, अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल एक्ट, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चों, टाउ मैक्स क्या है, एन एम बी ए, है ना, नहीं ए भी आ गया था क्योंकि वो एम में आ गया था, है ना, एन एम बी, इतना ही है, एम की वैल्यू भरनी है, आप भर सकते हैं, एन आई ए इंटू बी, साइन अल्फा को मैंने वन कर दिया है क्योंकि मैंने क्या करना है, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू दे दी है। इस टॉर्क से क्वाइल डिफ्लेक्ट होगी बेटा, और एक समय पे क्वाइल में रीस्टोरिंग टॉर्क भी लगेगा। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्वाइल एक जगह पे जाके रुक जाएगी, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कौन लगाएगा, वो फास्फर ब्रॉन्ज, देखो ऊपर और नीचे किस मटेरियल से बांधा हुआ है, फास्फर ब्रॉन्ज, है ना, फास्फर ब्रॉन्ज की वजह से एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा बेटा, वो कितना होगा याद करना है ये हमें, है ना, ये याद करना है, रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन क्वाइल, रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन क्वाइल ड्यू टू, रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन क्वाइल ड्यू टू फॉस्फर ब्रॉन्ज। बेटा ये रटना है आपको, मैं नोट्स फॉलो कर रहा हूं यहां पर, टाउ रिस्टोरिंग इसको कहेंगे हम, ये याद करना है जी, के इंटू थीटा, ये याद करना बच्चों, याद करना है, के क्या है जी, के है जी कपल, देखिए ध्यान से, कपल पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। आप इसका सिंपल हिंदी में मतलब समझिए, कपल टॉर्क को कपल भी कहा जाता है, घुमाने वाली फोर्स का दूसरा नाम कपल है, है ना, तो कपल पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, एक यूनिट ट्विस्ट, सुनो देखो, एक जब क्वाइल एक यूनिट ट्विस्ट करेगी तो जितना उस पर टॉर्क लगेगा, मान लेते हैं के, क्या सिंपल शब्दों में कि एक डिग्री से क्वाइल अगर घूमी
तो के टॉर्क लगेगा, और अगर क्वाइल थीटा डिग्री से घूमी तो कितना लगेगा, के इंटू थीटा। आप मतलब समझ में आया कि जो फॉस्फर ब्रॉन्ज की वायर है वो एक यूनिट डिग्री घुमाने पे मान लो के टॉर्क लगाती है। वो तो हम निकालेंगे ना, उसकी प्रॉपर्टी सारा सॉल्व किया जाएगा क्या है। और अगर कॉइल थीटा डिग्री से घुमा है तो कितना टॉर्क लगेगा, तो व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, थीटा इज व्हाट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, थीटा क्या बच्चों एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, क्लियर जी। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा जी, इन इक्विलिब्रियम क्या होगा जी, टाउ डिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू टाउ रीस्टोरिंग, टाउ डिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू टाउ, तो इसका मतलब एन एम एम नहीं लेंगे यार, बार बार एम आता है, एम I A into B must be equal to K theta। तो थोड़ा सा समझे यहाँ पर हम, I क्या होगा K theta upon N A B, और बच्चों हैरानी से इस एंगल को क्या भरेंगे हम, G, क्या भरेंगे G, क्या है जी K upon N A B called गैल्वेनो, प्लीज ध्यान दें मीटर कांस्टेंट, जी इक्वल्स टू के अपॉन, पूछो बेटा क्या समझ में आया मेरे से पूछो, एक्सप्रेशन क्या बन गया, बन गया बेटा एक्सप्रेशन बन गया है जी इंटू थीटा, जी इंटू थीटा, बस यहां पर आके आपको रुक जाना है। थीटा है वो एंगल जो लाइट कितना एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ था, बच्चे आजकल जो हम लेटेस्ट टेक्निक यूज कर रहे हैं आजकल, ये तो बहुत ओल्ड मेथड है, जब फिजिक्स की शुरुआत हुई, अभी तो हम सिंपल डिवाइस यूज करते हैं, कंसेप्ट है ये, पर लाइट की जरूरत नहीं है, वो बस नीडल ही दिखाई देती है, अब एक्यूरेसी बढ़ गई है ना। के क्या है, मैं इसके आंसर आगे देता हूँ, फास्फर ब्रॉन्ज के लिए के लीस्ट होता है एक नंबर में, बहुत बार आया एग्जाम के अंदर, है ना, क्यों होता है इसके आंसर में देता हूँ। रेडियल फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले यहाँ तक आपको समझ में आया, आगे बच्चों दो पॉइंट और है, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, इन बातों को समझते हैं, देखिएगा। करंट सेंसिटिविटी, ठीक है जी, इसको हम आई एस के नाम से जानते हैं, करंट सेंसिटिविटी क्या बेटा, आई एस, ठीक है जी। तो क्या है, हम पहले लिखते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मैं यहां लिखवाता हूं क्या है ये, थीटा अपॉन आई तुम्हारा क्या बचा है बेटे, थीटा अपॉन आई को आई एस कहते हैं, और ये क्या बचेगा, थीटा अपॉन आई ऊपर हुआ क्या बचा, एन ए बी अपॉन के, थीटा अपॉन आई इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। देखो हम क्या चाहते हैं, हम एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते हैं जो कम से कम करंट के पासेज में आपको ज्यादा डिफ्लेक्शन दे, एक ऐसा डिवाइस जो वीक से वीक करंट भी मेजर कर ले, उसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिव का मतलब क्या है कि यार आप कितना भी कम करंट पास करो तब भी डिफ्लेक्शन दे दे, ऐसा डिवाइस हम बनाना चाहते हैं, है ना जी, हम करंट सेंसिटिविटी ज्यादा चाहते हैं, करंट के प्रति सेंसिटिव होना, ठीक है जी। तो आई वांट कि थीटा अपॉन आई है वो ज्यादा बेटे, आई एस थीटा अपॉन आई जितना ज्यादा होगा उतना वो वीक से वीक करंट है वो मेजर कर पाएगा, के लीस्ट होना चाहिए, ये हमारी सोच है,
और इसीलिए हमने फास्फर ब्रॉन्ज प्रेफर किया है। मटेरियल में सबसे कम के सी का ही है, वाई के इज लीस्ट, समझ में आया। इससे आपका डिवाइस ज्यादा सेंसिटिव बनेगा, ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। ओके बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड भी हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, इसीलिए हमने रेडियल फील्ड यूज किया। क्या है रेडियल फील्ड, वो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एरिया, भाई जितना क्वाइल का एरिया ज्यादा होगा उतना सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, बट हैंडलिंग इशू, बहुत बड़े बड़े गैल्वेनोमीटर बनाकर रखोगे कहाँ, तो एरिया हम बहुत बड़ा नहीं बना सकते। उस डिवाइस को कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो फिर एक इशू बन जाएगा। एन नंबर ऑफ टर्न्स, बेटे अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो उससे कॉपर की लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ने से क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो जो करंट है वो तो पहले से ही कम हो जाएगा। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि यार आप एन और ए को चेंज नहीं कर सकते ज्यादा, आप बी को बढ़ा सकते हो, आप के को कम कर सकते हो। ए बढ़ाने से हैंडलिंग इशू बेटे, साइज इशू हो जाएंगे पैदा, एन बढ़ाने से रेजिस्टेंस का इशू बन जाएगा और उसमें पास होने वाला करंट है वो ऑटो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, तो व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन वी पास अ यूनिट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, है ना। इट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन वी पास यूनिट करंट थ्रू इट। ठीक है जी, जब आप एक यूनिट करंट पास करेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा जी, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। इसके यूनिट्स क्या बनेंगे बच्चों, देखो यूनिट ये क्या, रेडियन पर एम्पियर या डिवीजन भी कहते हैं, भी कितने डिवीजन आपका डिवाइस डिफ्लेक्ट हो गया पर एम्पियर। बेटा जी रेडियन के एंगल कह लीजिए या डिवीजन कह लीजिए, ओके। नेक्स्ट है बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, इसको हम Vs कहते हैं बेटा। और ये होता क्या है, Vs क्या होता है बच्चों, Vs की जो वैल्यू होती है वो Is अपॉन R, ओम्स लॉ तो फॉलो होता ही हमेशा, तो Vs क्या होगा, कुछ गड़बड़ है ना, तो ये Vs अपॉन R, V अपॉन R आएगा, ये V अपॉन R, V अपॉन R वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। आप इक्वेशन वन को डिवाइड कर दें आर से, ठीक है, देखना भी आप इक्वेशन वन को आर से, तो आई एस ही आएगा यहाँ पर, है ना, तो क्या ओम्स लॉ भी हो रहा है ना, चलो हम इस यहाँ पर आते हैं, एक डिवाइड क्या करें, डिवाइड इक्वेशन वन बाय आर, ठीक है जी, तो क्या बना जी, ये बना थीटा अपॉन आई इंटू आर, ये एन ए बी अपॉन के इंटू आर, इसको कहते हैं वी एस वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके
तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? इट इज द रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन वी पास यूनिट वोल्टेज थ्रू इट. इज अ रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन वी पास यूनिट वोल्टेज थ्रू इट. क्या कहते हैं इसको? वोल्टेज सेंसिटिविटी. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? वोल्टेज सेंसिटिविटी. ओके बच्चे, ठीक है. तो ये वीएस आ गया बच्चों, ठीक है जी. तो अभी हम आगे समझते हैं कि हाउ वी कैन इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना. कैसे हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं बताओ. ये भी क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन इंक्रीज सेंसिटिविटी, हाउ वी कैन इंक्रीज सेंसिटिविटी, हाउ वी कैन इंक्रीज सेंसिटिविटी. आंसर है बच्चों, पहला है जी बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीजिंग बेटा बी इंक्रीज करके. तो हमने क्या यूज किया है बेटे? रेडियल फील्ड इज यूज्ड. क्यों हमने रेडियल फील्ड यूज किया? बताता हूं आपको रेडियल फील्ड क्या होता है. दूसरा, बाय रिड्यूसिंग के, तो फास्फर, समझ में आया? फास्फर ब्रॉन्ज क्यों यूज किया बेटा? केस लीस्ट. आगे रिस्ट्रिक्शन आ गई, एंड कैन नॉट बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, एंड कैन नॉट इंक्रीज्ड मच. क्यों बेटा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. और चौथा क्या है? ए इज रिस्ट्रिक्टेड. क्यों? साइज क्रिएट्स प्रॉब्लम इन हैंडलिंग. हैंडलिंग प्रॉब्लम इन हैंडलिंग. तो ये हम बहुत नहीं बढ़ा सकते. ओके, बच्चों जो VS होता है ये V अपॉन R कहलाएगा. VS क्या होता है? V अपॉन R. VS होगा V अपॉन R. IS क्या था? IS कैसे था? थीटा अपॉन I. ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी. एक बार आप नोट कीजिए, मैं आपको यहाँ पर रेडियल फील्ड समझाता हूँ. रेडियल फील्ड क्या था और क्या कहानी है इसकी? हाँ, इसका 4 पॉइंट जल्दी से नोट करो. चलो, 4 पॉइंट बच्चों, उसमें ए इज रिस्ट्रिक्टेड की एरिया बहुत बड़ा नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये हैंडलिंग इश्यू है, वो क्रिएट करेगा. समझ में आया बेटा? ये हैंडलिंग इश्यू क्रिएट करेगा, इसलिए हम ए को बहुत नहीं बढ़ा सकते. तो अगर एन बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, एन मतलब एन है क्या? एन क्या है प्रैक्टिकली? जैसे ये कॉइल है, इस पे हम कॉपर की तार लपेटेंगे, एक राउंड को एक टर्न बोलेंगे, दो राउंड को दो टर्न बोलेंगे. तो
ऑब्वियसली तार की लंबाई बढ़ेगी, यस सर, रेजिस्टेंस बढ़ेगा उससे, यस सर, थोड़ा गर्म सर, नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और सर डायरेक्टली बहुत कम कर देंगे तो कॉइल का अपना मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक हो जाएगा, वो रोटेट ही नहीं, टॉर्क उस पे कम हो जाएगा, ठीक है, टॉर्क भी तो लग रहा है, यस सर, यस, प्लीज ध्यान दें। तो अभी रेडियल फील्ड क्या है इस बारे में समझना सारे, नॉर्मल मैग्नेट्स क्या है बच्चों, यहां देखिएगा कि अगर हम नॉर्मल मैग्नेट्स लेते हैं N और S, यहां पर एक कॉइल है मान लीजिए, है ना, यहां सॉफ्ट आयरन भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेंड तो होता है बच्चों, पर उतना बेंड नहीं हो पाता कि सारा की सारा सॉफ्ट आयरन में पास हो। अगर आप इसको घोड़े की पैर की तरह शेप देंगे, हॉर्स हॉर्स घोड़ा शू टाइप, तो क्या होगा कि लाइन हमेशा 90 डिग्री से बाहर निकलती है, तो पहले से ही वो टेढ़ी निकलेगी, जब पहले से टेढ़ी निकलेगी तो क्या करेगी, वो सॉफ्ट आयरन के बीच में से आसानी से निकल जाएगी। तो हॉर्स शू टाइप जब हम मैग्नेट बनाते हैं तो उससे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बहुत बार पेपर में आया स्केच रेडियल फील्ड, तो आपको एक घोड़े के पैर बनाने हैं और उस तरह ये कर्व्स लाइन दिखानी है, दिस इज द वन मार्क क्वेश्चन, रेडियल फील्ड क्या होता है, घोड़े के पैर की तरह मैग्नेट बनाना, इसको ही रेडियल फील्ड कहते हैं, ठीक है सर। फास्फर ब्रॉन्ज क्या यूज किया, केज लिस्ट, केज लिस्ट। आगे बच्चों कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है तुम्हें समझ में आ गया है, एक गैल्वेनोमीटर को हम एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर, प्लीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, ओके, एक गैल्वेनोमीटर को आप एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। When we connect a small resistance parallel to galvanometer, it is said to be एमीटर, उसको एमीटर कहते हैं, और स्मॉल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट, इसका नाम है जी स्पेशल शंट, ठीक है जी, शंट बोलते हैं जिसको, देखिए एक नंबर में आता वर्ड शंट, ठीक है जी, ये एक गैल्वेनोमीटर है बेटा, जी है यहां पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जी क्या है जी, रेजिस्टेंस किसका भी बताओ, ऑफ गैल्वेनोमीटर, जी क्या है जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और यहां पर क्या लगा दिया हमने, एक शंट S। देखो जी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जो आपने रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो अब ये डिवाइस बन गया है जी एमीटर, क्या बन गया बच्चों, एमीटर, सब बच्चे लिखना बंद करेंगे, पहले मुझे ध्यान से सुनेंगे, एकदम आसान सा टॉपिक है बच्चे, यहां पर मैंने आई करंट पास कर दिया, मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में कितना गया आई जी, तो नीचे कितना जाएगा, I माइनस आई जी, यहां से क्या सीखने को मिलेगा, पोटेंशियल एट जी बच्चों, पोटेंशियल एट जी इक्वल टू पोटेंशियल एट एस, क्यों ऐसा क्यों,
बिल्कुल सही आंसर है, पैरेलल में पोटेंशियल तो आई जी इंटू जी इक्वल्स टू बेटा आई माइनस आई जी इंटू एस। ये पता लगा मैंने क्या इक्वेशन बना दी है? Yes, sir. बस जैसे ही इक्वेशन बनी आगे की थ्योरी एकदम की एस निकाल लीजिए। शंट क्या होता है देखिए, शंट क्या आ गया आई जी इंटू जी आई माइनस आई जी आ गया शंट बेटा। Yes, ठीक है। Yes, और एम मीटर का रेजिस्टेंस क्या हुआ अभी? एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों? रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर बताओ जी क्या होगा, पहले से ज्यादा होगा पहले से कम होगा? बताओ, पहले से कम हो गया है, जब रेजिस्टेंस कम हो गया है तो करंट ज्यादा जाएगा इसके अंदर, तो ये मेजर कर पाएगा। ठीक है जी, क्लियर जी? Yes. समझ में आया? पैरेलल का फॉर्म लगा दिया, 1 बाय आर क्या आएगा 1 बाय जी प्लस 1 बाय एस। नेक्स्ट है जी छोटा सा प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए, फिर इसके कल मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बेटा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें करंट कम जाएगा, पहले से कम जाएगा। अब अगर आप उसका रेजिस्टेंस रिड्यूस कर दे तो करंट ज्यादा जाएगा उसके अंदर। मेजरमेंट तो तभी होगी ना जब कोई चीज ज्यादा जाएगी, तो हमने उसके पैरेलल में शंट लगा दिया। आइडियल एमीटर क्या होगा जब शंट जीरो हो जाएगा? लिख देता हूं, आइडियल एमीटर क्या है, आइडियल एमीटर क्या है बेटा जब शंट क्या होगा जीरो। आइडियल एमीटर क्या होगा जब शंट क्या होगा जीरो। बच्चों उसके न्यूमेरिकल्स निकालने हैं तब हमें ये कॉन्फिडेंस बनेगा। जैसे जैसे न्यूमेरिकल हम करेंगे मैं आपको थ्योरी की यही शीट है पहले रिकॉल करवा दूंगा, देखो बेटे क्या सीखा था हमने, और तब वो न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करेंगे, तब आपसे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी बेटे। और हमने एमटीजी भी सॉल्व करनी है, प्लीज घर पे क्वेश्चन एक बार ट्राई करते रहे। कल मैंने मेनली ऑब्जेक्टिव लेक्चर ही लगाना है, पहले एमटीजी सॉल्व कर लेंगे फिर हम एनसीईआरटी पे जाएंगे। ठीक है जी, एक और करवाना बेटा, मैं पहले नहीं छोड़ पाऊंगा, पहले भी है ना। हाँ जी, 2 मिनट और दीजिए मुझे। हाउ टू कन्वर्ट आ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, टॉपिक है बच्चों, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। ठीक है जी, when we connect, when we connect a heavy resistance in series with galvanometer is known as वोल्टमीटर। जब मैं एक हैवी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को लगा दूंगा कहां पर, सीरीज में, तो गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा बेटा, ये गैल्वेनोमीटर है बच्चों, ये साथ में क्या लगा दिया हैवी रेजिस्टेंस, ये क्या बन गया बेटा वोल्टमीटर बन गया। अभी देखो मैंने वर्ड यूज किया हैवी रेजिस्टेंस, और शंट क्या होता है वेरी स्मॉल, स्मॉल रेजिस्टेंस, एस फॉर शंट एस फॉर स्मॉल। ओके, अब मैंने अगर यहां आई करंट पास किया है तो वोल्टेज क्या बनेगी मेरी बेटा, तो इसमें वोल्टेज क्या बनेगी, वी क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस आई इनटू आर, तो यहां पर आर कैन बी कैलकुलेटेड, वी अपॉन आई कर दिया, ये क्या आ गया जी प्लस आर, आर कितना आ गया वी अपॉन आई माइनस जी,
बच्चे टॉपिक तो भी बिल्कुल आसान है, पर ज्यादा समझ इसके न्यूमेरिकल कैसे लगाने हैं तब तुम्हें पता लगेगा कि ये कहानी क्या है। ठीक है बच्चों, मैं सारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ। मैंने बोर्ड को देखकर बेटे ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी है, इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ बताओ, जी प्लस आर। इसका मतलब है कि वी ऑफ वोल्ट मीटर, आर ऑफ वोल्ट मीटर सबसे बड़ा, फिर आर ऑफ केल्विनोमीटर, फिर आर ऑफ एम मीटर, पहला कंसेप्ट। अब यहां पर एक मास्टर कंसेप्ट समझ लेना। बस बेटा आप जब आए थे तब ये बात क्यों नहीं सोच के आए थे, लेट आओगे तो लेट ही छोड़ूंगा ना हैं? ऊपर वाला आर क्या है? मैं तो अपना टाइम पूरा यूज करूंगा ना बेटा। अच्छा एक मिनट दो, यहाँ पर एक मिनट दो, यहाँ पर एक ब्रॉड डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे निकलेंगे। आपको मैंने पढ़ा दिया कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया शंट। अब सुनो ब्रॉड डेफिनेशन, किसी भी डिवाइस के पैरेलल में अगर आप शंट लगाओगे, चाहे वो वोल्टमीटर है चाहे वो गैल्वेनोमीटर है, शंट लग के हमेशा वो एमीटर बन जाएगा, और सीरीज में रेजिस्टेंस हैवी लगने के बाद वो डिवाइस कोई भी हो। ये बात हिंदी में लिख लो वरना न्यूमेरिकल ही निकलेंगे। ब्रॉड डेफिनेशन वैलिड है बेटा, शंट लगाने से वो क्या बनेगा एमीटर, और चाहे वो पहले कोई भी डिवाइस रहे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो प्लीज कल का लेक्चर वो न्यूमेरिकली बेस्ड होगा, तो एनसीआर कल हम फिंगर टिप पहले करेंगे। प्लीज ब्रिंग कर लेके आए साथ में और क्वेश्चन घर पे लगा के आए। ओके बेटा, एग्जाम्पलर बाद में करेंगे बेटा, एग्जाम्पलर भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप।